अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं पीनट चिक्की जो घर में बहुत आसानी से बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसे मार्केट में पीसेस में मिलती है उसी तरह हम कट करेंगे और ये सॉफ्ट क्रंची बनाएंगे। सिर्फ हमें दो सामान चाहिए होंगे, हमें ज्यादा सामान नहीं चाहिए होंगे इसमें, गुड़ और पीनट। तो चलिए पीनट चिक्की बनाना शुरू करते हैं बहुत आसानी से। लेकिन उससे पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें चाहिए मूंगफली, जो हमें इसके छिलका उतरी हुई होनी चाहिए इस तरह से। इसको हमने कच्ची दाने वाली मूंगफली को ऐसे फ्राई करके उसको मसल के निकाल के छिलके इस तरह से मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है। और इसके लिए हमें चाहिए होगा गुड़। गुड़ हम जो है किसी भी तरह का ले सकते हैं, देसी हो या लड्डू वाला हो, कोई भी हो, हमने देसी गुड़ लिया है। और साथ में हमें ये दो चीजों की मिकदार ध्यान रखनी होगी कि दोनों जितना अगर 250 ग्राम गुड़ है तो हमें 250 ग्राम हमारे दाने भी होना चाहिए, तभी हमारी चिक्की बढ़िया बनेगी। चलिए पैन चढ़ा। पीनट चिक्की बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की हो, लोहे की हो, नॉन स्टिक हो, किसी तरह का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बस ये हैवी बॉटम को हो थोड़ा सा। चलिए हम सबसे पहले इसमें हम गुड़ डालते हैं। हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। इसको मेल्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें भी पानी ऐड करना पड़ेगा। इसको धीरे धीरे चलाते रहें। ये थोड़ा सा पानी डालते ही हमारा गुड़ जो अच्छे से मेल्ट होने लगा, ये देखिए। और इसमें जो ये गुलती है इसको हम धीरे धीरे ऐसे से फोड़ते रहेंगे ताकि ये टूट जाएंगी तो अच्छे से, और अच्छे से वहां जल्दी गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। तो इसी में हम साथ में थोड़ा सा हम इसमें एक चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी आप किसी तरह का भी डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं या आप अपना चाहे वनस्पति का यूज कर सकते हैं। इसके डालने से हमारी ये चिक्की जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, इसलिए इसको हमने डाला है। आपका दिल चाहे डालें, आपका दिल चाहे ना डालें। चलिए इसको अच्छे से अभी इसका बना लेते हैं, थोड़ी देर और पकेगी अभी। देखिए चाशनी अच्छे से पकना शुरू हो गई है। हम इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ के बिल्कुल नहीं हटना है वरना ये जल जाएगी। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी कर देंगे ताकि जल ना जाए। इसको अब हम लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी कितनी तैयार हुई है। इसको चलाते हुए हमें 2-3 मिनट हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितनी तैयार है। इसके लिए हमने चेक करने के लिए कटोरी में पानी लिया है, इसे अब हम चेक करते हैं कैसी है ये चाशनी हमारी। ये देखिए अभी खींच रही है, अब हमें हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई, अभी समझिए तैयार नहीं है, अभी इसको हमें। चलिए दोबारा से चेक कर लेते हैं दूसरा पानी लेकर, देखते हैं इसमें क्या हाल है, अभी हुई कि नहीं तैयार। अभी भी चुई है, बिल्कुल देखिए खींच रही है, सॉफ्ट है, अभी और चाहिए। चलिए हमारे जब तक जो है गुड़ की चाशनी पक रही है तब तक हमें इसमें थाली में अच्छे से हम घी लगा देते हैं। चलिए मेरे घी तैयार, पीनट डाल देते हैं फटाफट से, गैस बंद कर देते हैं और हम इसको ऐसे चला देते हैं फटाफट। ज्यादा देरी नहीं करनी है नहीं तो जलने लगेगा ये बढ़ते, इसलिए हमें फटाफट जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है, नहीं हमारी जो है बहुत तेजी से जमने लगती है। थोड़ी सॉफ्ट है, इसमें दाने थोड़े और छिड़क देते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये और भी चिपक जाएंगे इसी में। अभी सॉफ्ट ही है, ज्यादा देर नहीं हुई है, इसको कुछ भी करिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी जमाने की कोशिश करिएगा। इसको थोड़े थोड़े चम्मच से आप प्रेशर कर दीजिए, ये भी सॉफ्ट ही है। हमने चूरी में इसमें घी लगा लिया, इसलिए हम कट भी लगा लेते हैं तो चूरी थोड़ी मजबूत हो, एकदम वैसी ना हो जो टूट जाए, वरना ये जो है सूख जाने के बाद फिर हमारी जो है कट नहीं लग पाएंगे, इसलिए हम अभी कट लगा ले रहे हैं। जिस साइज में भी आपको कट लगाना हो लगा सकते हैं। हमारी चिक्की ठंडी हो गई है, देखते हैं ये कितनी अच्छी अच्छी जमी है। ये देखिए
कि पूरी अच्छी तरह से जम चुकी है, जम गई है कायदे से फूल कड़क। अभी हम आपको तोड़ के ये देखिए कितनी कड़क है, ये देखिए सॉफ्ट भी है कड़क भी है, क्रंची दूध सब कुछ है। हमने इसके पीसेस काट दिए थे इसलिए देखिए ये बहुत आसानी से हमारे जो है पीस निकल रहे हैं, हमारी पूरी चिक्की नहीं निकल रही है। देखिए पीसेस हमने थोड़े मोटे बनाए थे, ये देखिए कितनी अच्छी अंदर तक के सारे मूंगफली के दाने हैं, ऊपर भी हैं, ये कितनी खूबसूरत लग रही है बिल्कुल, देखिए कितनी प्यारी है। देखिए हम और आपको तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए और तोड़ने की सिफत ये है कि ये सॉफ्ट भी है, ये बुड्ढे भी खा सकते हैं, इतनी सॉफ्ट है, ये देखिए इतनी आसानी से टूट रही है। बाजार से भी ज्यादा अच्छी बनाई है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर भी